अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल यूनानी स्कॉलर। आई एम डॉक्टर बुशरा अब्रार, BMS MD इल्मुल अदविया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अदविया मुफरदा में आज हम पढ़ेंगे प्लांट ओरिजिन ड्रग्स में चरायता के बारे में पढ़ेंगे। आज हम चरायता का बॉटनिकल नेम है स्वेरशिया चिराटा। चरायता को कई मुतरादिफ नाम से जाना जाता है, जैसे इसको कालमेघ भी कहा जाता है और उसे अरबी में खसबुल जरीदा भी कहा जाता है। इसकी माहियत समझ लेते हैं, चरायता क्या है। तो चरायता दरअसल एक पौधा होता है जो कि तकरीबन 1 मीटर तक ऊंचा होता है, बहुत ज़्यादा ऊंचा पेड़ नहीं होता इसका, छोटा ही इसका पौधा होता है। और इसके पौधे में छोटे छोटे फूल लगते हैं गुच्छों की शक्ल में। और दवा के तौर पे जो हम चरायता को इस्तेमाल करते हैं तो इसका कोई स्पेसिफिक पार्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसका पूरा पौधा ही हम खुश्क करके दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। पूरा पौधा ही इसका खुश्क हालत में मिलता है। जैसा कि आप लोग मार्केट में अगर चरायता ख़रीदने जाएंगे तो जैसा कि ये ड्राई फॉर्म में आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा है, वो कुछ ऐसा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा चरायता। और इसका मज़ा बहुत ज़्यादा तल्ख होता है चरायता का। जो यूनानी की तल्ख दवाएँ शामिल हैं जिनमें चरायता पहले नंबर पे आता है, बहुत ज़्यादा ही तल्ख होता है ये। चरायता की दो किस्में होती हैं, एक चरायता शीरी होता है, दूसरा चरायता तल्ख होता है। लेकिन दोनों ही ये मज़े में तल्ख होते हैं। ऐसा नहीं कि जो शीरी है वो मीठा होगा, बल्कि जो शीरी होता है वो चरायता तल्ख की बनिस्बत उसमें तल्खी कुछ कम होती है, कड़वाहट उसमें थोड़ी कम होती है, लेकिन वो भी तल्ख होता है। उसकी मुनासबत से इसे कि उससे थोड़ा तल्ख कम है इसलिए इसको शीरी कह दिया गया है। लेकिन ये दूसरी वैरायटी जो इसका चरायता शीरी है वो शीरी बिल्कुल भी नहीं होता है। और चरायता का ये कहा जाए कि चरायता दरअसल एक हिंदुस्तानी पौधा है, हिंदुस्तान ही इसका असल वतन है। लेकिन अभी ईरान में भी इसकी बकसरत काश्त की जाती है और इसके पौधे ईरान में भी पाए जाते हैं, लेकिन नेटिव ये हिंदुस्तान का है। मिजाज इसका गर्म खुश्क होता है चरायता का। इसके अफ़ाल हैं मुसफ़ी खून है, ब्लड प्योरीफायर है, बहुत अच्छा ब्लड प्योरीफायर है। यानी कि स्किन डिसीज़ में अगर हम कोई स्किन डिसीज़ का अगर हम नुस्खा लिखेंगे तो उसमें चरायता शामिल होना मस्ट है। यानी जो भी स्किन से रिलेटेड हमें बीमारी होगी, कोई भी कंडीशन होगी, उसमें चरायता को ज़रूर शामिल किया जाता है। बहुत सारे मुरक्कबात में शामिल होता है ये। मौर्रिख है, मौर्रिख कहते हैं पसीना लाने वाली दवाएँ, मौर्रिख है। और ये जो दाफ़े हुम्मा इसकी प्रॉपर्टी है, ये पसीना लाकर बुखार को कम करता है, हमारी बॉडी हीट को ये बैलेंस करता है। दाफ़े हुम्मा है यानी एंटीपायरेटिक है ये। और ये कातिल दीदान है यानी एंटी हेलमिंथिक है, ये पेट के कीड़ों को भी हलाक करता है। इसके अंदर वैसे तो और भी बहुत सारे एक्शन हैं, लेकिन ये जो इसके 3 एक्शन हैं ये इसके मेन एक्शन में शामिल है, मुसफ़ी खून, दाफ़े हुम्मा और कातिल दीदान। मुकव्वी जिगर एक्शन भी रखता है अपने अंदर, मुश्तही भी है यानी ये एपेटाइजर भी है, भूख भी बढ़ाता है। चलिए अब इसके यूजेस भी जान लेते हैं, कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया मुसफ़ी खून है तो तमाम जल्दी अमराज में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कहीं खुजली हो रही है, जर्ब है, हिक्का है, सूखी खुजली है, चाहे दानों वाली खुजली है, चाहे दाद हो गया है हमारी स्किन पे, उन सब में ही चरायता का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इसका जुशांदा बना के मरीज़ को दिया जाता है और बहुत से मुरक्कबात में भी शामिल है ये। मौसमी बुखार में जैसा कि मौर्रिख और दाफ़े हुम्मा है, तो इसमें जो सीज़नल चेंजिंग है, सीज़न की वजह से जो सीज़नल फीवर आ जाता है मौसमी बुखार, उसमें ये दिया जाता है। और ज़ौफ़े इश्तहा यानी कि लॉस ऑफ एपिटाइट, किसी को भूख की कमी है, भूख का एहसास नहीं होता, बहुत से लोगों को भूख नहीं लगती है, तो उसमें ये भूख बढ़ाने का काम भी करता है। और ये मुकव्वी जिगर एक्शन भी लगता है, इसलिए इसको अमराज़ जिगर में, लिवर रिलेटेड डिसऑर्डर्स में भी हम इस्तेमाल करा सकते हैं। मिकदार खुराक इसकी 5 से लेकर 7 ग्राम की मकदार में हम इसको इस्तेमाल कराते हैं। कीमियावी अज़ा इसमें पाए जाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा तो बिटर सब्सटेंसेस ही पाए जाते हैं, इसी की वजह से इसके अंदर इतनी तल्खी भी होती है। और इसमें अल्कलॉइड है चेराटिन नाम से, और इसमें डाइटरपिनोइड्स पाए जाते हैं।
मुजिर असर इसका तिब्बा ने बताया कि गुर्दों के लिए इस पर इसका मुजिर असर हो सकता है। तो इसके मसले के तौर पे जब हम इसके मुरक्कबात बनाते हैं तो इसके मसले के तौर पे इन दवा अनीसून को इसके साथ शामिल कर देते हैं तो इसके ये मुजिर असर को काफ़ी हद तक कम कर देता है, लिवर को गुर्दों को प्रोटेक्ट करता है। मशहूर मुरक्कब है इसके अरक़े मुसफ़ी खून आता है और जवारिश जालिनूस का अहम जूस है और इसके अलावा इसका जो शानदार चरायता बनाया जाता है शरबत मुसफ़ी में भी शामिल है ये, और भी इसके बहुत सारे मुरक्कबात स्किन डिसीज़ के लिए बनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।